अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे और ये है मेजर गौरव आर्या की डिफेंसिव ऑफेंसेस वीडियो, जो कि आजकल कंडीशंस जो चल रही हैं इन पाकिस्तान, उसके ऊपर इन्होंने बात की थी। एंड पार्ट वन हमने ऑलरेडी बना लिया था, तो ये हमारा पार्ट टू होने वाला है। थोड़ी तबीयत डाउन है जिसकी वजह से पार्ट उल्टा पुल्टा निकल रहा है। एनीवेज, वीडियो की तरफ चल लेते हैं और देखते हैं कि पार्ट टू में क्या कहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है। एंड यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। जो गरीब का बेटा है वो जाएगा कश्मीर, जर्नल का बेटा जाएगा लंदन, ये फर्क है। तो वहां पे ये भी चल रहा है पाकिस्तान में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। अगर इनके चार सर्विंग कोर कमांडर्स तो ऐसे जिनके बच्चे रहते ही पेरिस में, और रिटायर्ड तो पता नहीं कितने, एक दो को तो आप भी जानते हैं, उनमें से दो जर्नलिस्ट हैं जो अभी वहां रहते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि हमने देखा था लास्ट टाइम जब परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद पे जब ऑपरेशन किया था, बिल्कुल, एसएसजी वालों को और बाकी इनको भेजा था, उसका एक ब्लोबैक आया था। और वो ब्लोबैक ये था कि मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने किया, और जी जी। पूरा ऑर्गेनाइज जो है वो आईएसआई ने कराया, क्योंकि आईएसआई के अंदर कुछ डिस्टर्ब सेगमेंट्स थे जो उस चीज से नाराज थे कि आपने मस्जिद में, लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया। तो और उनको सबको सजाए मौत भी दी गई जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आरएनएडब्ल्यू ने दी मुशर्रफ को कि भाई तुमको मारने वाले हैं, तुम्हारे ही बंदे मारने वाले हैं, एयरफोर्स के चार बंदे। तो सबसे पहले तो ये मैं जो पाकिस्तानी देख रहे हैं मुशर्रफ के फैंस जो बोलते हैं कि मुशर्रफ इज द लॉयन, तो उस एक हिंदुओं ने उसकी जान बचाई थी, तो इसलिए आप इसके बारे में भी जरा शुक्रिया जो है वो कॉमेंट में जरूर लिखें। और दूसरी चीज कि वो तो लाल मस्जिद एपिसोड तो बहुत छोटा एपिसोड था, मतलब इट वॉज जस्ट अ मॉस्क, और उसे भी अब्दुल अजीज, मौलाना अब्दुल अजीज की भी कोई बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी, वो जो सलवार पहन के भागा था जो लेडीज का, हाँ, तो हाँ। उसकी भी इतनी कोई फॉलोइंग नहीं थी, वो मतलब एक छोटा सा मखसूस किस्म की मस्जिद थी और उसमें कुछ उसके अपने फॉलोअर थे, दैट्स इट। बट टीएलपी पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 22 लाख से ज्यादा वोट लिए है उस पार्टी ने, एंड नॉट एवरी सपोर्टर इज अ वोटर, क्योंकि हम वोट कई सारी कंसिडरेशंस पे देते हैं, सपोर्ट तो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर 22 लाख वोटर है तो सपोर्टर कम से कम 50 लाख होंगे उनके, बिल्कुल। तो इसका जो ब्लोबैक आएगा वो कब तक, हाउ सून डू यू थिंक कि इसका ब्लोबैक आएगा और वो कितना डेंजरस होगा? विल वी सी अनदर सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान? वैभव, अगर मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स होंगे, फिर मेरे ऊपर एफआईआर फाइल कर देंगे कि देखो मेजर ने बोला था यही है, सबसे बड़ा क्रिमिनल यही है, इसको फांसी दो, एटसेट्रा। बट मैं वैभव, मुझे लगता है ब्लोबैक आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी है। जब पाकिस्तानी आर्मी में दरार पड़ना शुरू हो गई, जब जवानों के वीडियोज बाहर आना शुरू हो गए, राइट, तो मुझे लगता है कि ब्लोबैक शुरू हो गया है। टेरर अटैक्स हम अभी नहीं कह सकते होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का पास्ट है, जो माजी है पाकिस्तान का, वहां पे तो क्लियर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता आया है। तो ये फिर ब्लेम करेंगे कि भारत ने कर दिया, ये कर दिया इसराइल की, पता नहीं। अच्छा, एक तो फैसिनेशन विद इसराइल, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसराइल ने कर दिया, इसराइल को पता ही नहीं पाकिस्तान का है नक्शे में, राइट, लेकिन इनको बड़ा फैसिनेशन है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मुझे लगता है कि लाल मस्जिद से ज्यादा ब्लोबैक होगा, ब्लोबैक होना शुरू हो गया है। People have started attacking the symbols of the state in Pakistan. आप थानों पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो रेंजर्स पे अटैक हो गए, अब देखिएगा, और ये फैलेंगे और जगह, क्योंकि पाकिस्तान इज 96-97% मुस्लिम, राइट, और उसमें आप जानते हैं कितने परसेंट बरेलवी हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द परसेंटेज ऑफ बरेलवीज, एंड दिस इज इसेंशियली तहरीक-ए-लबैक इज इसेंशियली अ बरेलवी सेक्ट, इसेंशियली बरेली सेक्ट, उसमें और भी उनके फॉलोअर्स हैं। पर एक और चीज वैभव, आपने एक बात नोट करी है, कोई शिया सुनने की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान में,
कोई शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा कि ये शिया है ये सुन्नी है, इस मामले में मुत्तहिद है पूरे, दे आर यूनाइटेड, एटलीस्ट द स्ट्रीट, द पाकिस्तानी स्ट्रीट इज यूनाइटेड एंड द पाकिस्तानी स्ट्रीट शुड रिमेन यूनाइटेड। और आखिरी बात जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कहना चाहूंगा, सवाल के जवाब में, कि जो पाकिस्तान स्टडीज में झूठ पढ़ाया गया पाकिस्तानी बच्चों को कि पाकिस्तान में पता नहीं 5 मौसम है 12 हैं कि 24 हैं, पता नहीं हर एक इनका जो वजीर आजम आता है वो 10 मौसम बढ़ा देता है अपने अंदर और ये सब करेंगे, ये क्यों इतने झूठ के गुब्बारे हवा में डालते हो? फ्रांस के सामने लेट गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज लेट गई, पाकिस्तानी सरकार लेट गई फ्रांस के सामने, उन्होंने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी, इन लोगों ने एक स्पेशल सेशन भी यूएन का सक्सेसफुली नहीं कर पाए कि कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन। भाई आपका डिप्लोमेटिक कोर, ये वाइन पीने वाले जितने लोग हैं बड़े बड़े यहाँ पे, जो आपके अब्दुल बासित यहाँ पे आते थे और जो कश्मीरी हुरियत वालों से मिलते थे एम्बेसी में, वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, तो तब से वो बैन हो गया मामला, कोई नहीं मिल रहा किसी से, अब है ही नहीं, हुरियत खत्म हो गई वहां पे, लेकिन आप दुनिया भर में इनके सफीर हैं, इनके क्या खर्चे हैं, मेरे पास इनकी लिस्ट पड़ी है कि इनके पास क्या खर्चे हैं, इनके क्या असासे हैं, मेरे पास इनके लॉन्ड्री के बिल हैं, और पूछो इनके लॉन्ड्री के बिल हैं कि ये जो अपने शर्ट पैंट धुलवाते हैं उसका बाहर वाले को कितना पैसा देते हैं, इनके कपड़े तक बाहर धुलते हैं और गरीब पाकिस्तानी आवाम उसका पैसा, मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास बिल्स पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूं वैभव कि आप एक बात सोचो सीधी साधी, राइट, इनके डिप्लोमेटिक कोर ने क्या करा, क्या एक स्पेशल हियरिंग करवा पाए? आप यूएन को मारो मारो गोली यार, छोड़ दो यूएन को, क्या ये स्पेशल ये करवा पाए ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, एक स्पेशल सेशन ला पाए कि साहब ये गलत करा है और पाकिस्तान इसको लीड करेगा? आप तो सभी मुसलमान है ना, क्योंकि इनको पता है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान का अशराफिया फायदा उठा रहा है इन प्रोटेस्ट्स का, ठीक है, अपने पुराने जो इनके जो टूटे हथियार है ना, पुराने फोके कारतूस, उन सबको काम पे लगा रखा है सोशल मीडिया में कि तुम जाके ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, खूब इनको लबैक वालों को गालियां दो, राइट, कि हमारे असासे वहां पे बचे रहे, और पीछे पूरा पूरा गेम चल रहा है। अब ये चीज इनके हाथ से बाहर निकल गई, वेबर ब्लोबैक बड़ा सॉलिड होगा, टू आंसर योर क्वेश्चन वन वर्ड, इसका ब्लोबैक होगा, एंड दे शुड नॉट ब्लेम मी और यू फॉर दैट लेटर, और फॉर दैट मैटर कि इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस, जिसने, हमने क्या कर दिया यार, हम तो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, जो सामने हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी पिछले 2 दिन से जो शिया क्लेरिक है, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक इनके यहाँ पे एक बरेलवी मौलवी है पीर फारूक, उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा रोजनामा 92 अखबार में, और उन्होंने उसमें ये लिखा कि इमाम अली जो थे वो शराब पीते थे। अब इसके ऊपर वो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 295C के तहत ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज किया जाए और जिसकी सजा मौत है, और वो 2 दिन से चीख रहे चिल्ला रहे कि एक बंदा कैसे कह सकता है कि इमाम अली शराब पीते थे, और उसके ऊपर FIR नहीं हो रही। 2 दिन से रियासत को ये टाइम नहीं मिला कि उसके ऊपर FIR करे ब्लास्फेमी में, एक हिंदू के ऊपर, एक क्रिश्चियन के ऊपर, या एक किसी भी नॉन मुस्लिम के ऊपर जो काफिर है उसके ऊपर तो फेक चार्जेस पे FIR भी हो जाती है, उसको सजाए मौत भी मिल जाती है, और उसको लोग निकल करके सड़कों पर डिफेंड करते हैं, लेकिन एक बरेलवी मौलवी के ऊपर FIR आप नहीं कर रहे हैं, जबकि उसने शियाओं के मतलब इमाम के ऊपर इतनी बड़ी उसने कमेंट्री कर दी और इल्जाम लगा दिया, तोहमत लगा दी। तो ये जो आप मतलब ये जो कर रहे हैं, जो रियासत जिस तरह से चल रही है, तो हमको जो ये समझाते हैं कि आशिक रसूल जो है हम हैं और हमारे खिलाफ, तो भाई आप गौरव आर्य को बोलते हैं, गौरव आर्य ने कहा था कि भाई बरेलवियों को पुश करो, बरेलवियों को ऊपर उठाओ और बाकियों को लड़ाओ बरेलवियों से। भाई बाकियों को तो आप लड़ा रहे ना, अगर शियाओं शिया डिमांड कर रहा है कि पीर बादशाह के ऊपर आप वो कीजिए मुकदमा दर्ज कीजिए ब्लास्फेमी का, आप नहीं कर रहे, तो इसमें गौरव आर्य कहां से आ गया? तो बरेलवियों बरेलवी मौलाना को तो आप बचा रहे हैं। मैं वैभव ये कह रहा हूं कि चलो मैंने बोल भी दिया, जो मेरे वीडियो क्लिप्स पाकिस्तान में भी वायरल हो रखे हैं ना कि ये करो, मैंने बोल भी दिया, तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, है ना? वो हसन निसार साहब की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, उनकी खैर सारी बातें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन एक बात उनकी खास तौर से, लोग कहते हैं साहब साजिश करता है दुश्मन, साजिश करता है, कहता है साजिश भी करना एक जहीन दिमाग का काम होता है, जो दिमाग से पैदल है, जो बेवकूफ है, गधा है, वो साजिश नहीं कर सकता, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने बोल दिया ऐसा करो, मेरा ये इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, एक गौरव आर्य जो एक छोटा मोटा टीवी एंकर है, उसका
इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं, एंड आई एम नॉट इवन अ हाफ वे डिसेंट टैंकर, वो भी मैं कर ही लेता हूं ऐसे लुढ़कते फुड़कते, मतलब फिर भी मतलब मुझे तो ऐसा बोलते हैं भैया कि पता नहीं इसने क्या कर दिया। तो ये देखिए स्केप गोट ढूंढनी है ना वैभव, आपको स्केप गोट ढूंढनी है, आपको ये बोलना है कि साहब हमारे मुल्क में जो गलत गलतियां हो रही हैं, हमारे मुल्क में जो दंगा फसाद हो रहा है वो हम नहीं करवा रहे, गलती हमारी नहीं है, बाहर किसी की साजिश है। अब एक बात बताइए, इमाम हुसैन ने शराब, ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने शराब पी, वो जो सुन्नी है जो कह रहा है कि इमाम हुसैन, ये कितनी हल्की बात है, ये कितनी छोटी बात है, कितनी घटिया किस्म की बात है। और मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, पर मैं कह रहा हूं यार कि किसी भी मजहब का कोई भी ऐसा किसी भी मजहब का कोई शख्स हो जो काबिले एहतराम हो, आपको क्यों ऐसी बात करनी है किसी के ऊपर? आपने शियाओं की दिलाजारी करने के लिए इमाम हुसैन के लिए आपने गलत बात बोल दी, राइट, आपने बोल दिया गलत, आपने स्टेटमेंट उनके लिए बहुत नाजेबा बात आपने कर दी, राइट। लेकिन आपके लिए कोई बोलता है फ्रांस में आपको बुरा लग, अरे भाई आप खुद मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हो। अब गौरव आर्या ने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया, तुम आपस में शिया सुन्नी का फसाद कर रहे हो, फिर कहते हो कि ये बंदा जो वहां पे फिल्म सिटी में बैठा है नोएडा में, ये साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ। अरे मैं साजिशें कर रहा हूं, मैं तो दुश्मन हूं, मेरा काम है साजिशें करना, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मोमिन हो भाई, तुम तो जो तुम्हारा अकीदा है या जो तुम्हारा जो जिस पे तुम बिलीव करते हो, जो तुम्हारा फेथ का प्रिंसिपल है, उस पे तो तुम अमल करोगे कि वो भी गौरव आर्या सिखाएगा करना। तो दीज पीपल जस्ट वॉन्ट एन एक्सक्यूज, बात यह है कि इनकी सोसाइटी डिवाइडेड है। आपने 1400-1500 साल से कुरान शरीफ में तो कोई नहीं लिखा ना कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, कुरान शरीफ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये किसने बनाया? ये इन लोगों ने बनाया है, ये खुद इन लोगों ने बनाया है। कुरान शरीफ में तो या तो मोमिन है या गैर मुस्लिम है, काफिर है, और तो कोई तीसरा तो ब्रांड कोई है नहीं यहाँ पे। इन लोगों ने अपनी खुद ब्रांडिंग कर दी कि ये तू शिया तू सुन्नी। अब वो कह रहा है इन्होंने शराब पी, कितनी घटिया कितनी हल्की बात करी उस जो उस, क्या नाम बताया था वैभव आपने उसका, जिसने जो मौलवी बादशाह देखिए कितनी पीर बादशाह, कितनी घटिया कितनी हल्की बात करी है उसने, और ये बैठते हैं मस्जिदों के मेंबर पे और ये जहर घोलते हैं ऐसा। तो ये सब दीज पीपल यू नो दीज आर द पीपल हु आर लेटिंग पाकिस्तान डाउन। और ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा देखिए ऑर्गेनाइज रिलीजन इज अ स्कैम वैभव, किसी भी मजहब में हो जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो साला बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, रिलीजन अपने आप में अच्छा है, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं बहुत प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, राइट, लेकिन मैं भगवान में, मैं भोले शंकर में विश्वास करता, मैं आडंबरों में विश्वास नहीं करता कि कोई मुझे बोले कि जाब आप ये करिए उल्टा खड़ा, मैं ऐसा भी नहीं करता, लेकिन मुझे अपने इष्ट देव पे, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। उसी तरीके से अगर इस्लाम में कहता है कि मुसलमान और अल्लाह के बीच में किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, किसी बिचौली की जरूरत नहीं है, जो बंदा है और अल्लाह है उसका कनेक्शन डायरेक्ट है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम, इस्लाम में बोला गया है। ये बीच में लोग आ गए ठेकेदार, इन लोग ये तू ऐसा है, अब ये आपस में लड़ेंगे और फिर बोलेंगे काफिर ने कर दिया। भाई इस्लाम का जो पहला चैप्टर है वो है इकरा, इकरा मीन्स टू रीड, आप पढ़ें, इल्म को एक बहुत ऊंचा दर्जा, कुरान शरीफ में ये लिखा है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है, उस समय चीन बहुत दूर माना जाता था, है ना, ड्यूरिंग दोस टाइम्स, तो उसे अगर आपको इल्म हासिल करना है आप चीन जाए, लोन हासिल करना तो भी लोन हासिल, ये तो इन लोगों ने गलत पढ़ लिया, ये कह रहे हैं कि चीन इल्म के लिए नहीं गए, लोन लेने के लिए चले गए। तो खैर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव टोटली मिसमैनेज्ड इट। ये बेसिकली वैभव ये कुछ नहीं, पैसों के सामने इमरान खान की नाम निहाद रियासत मदीना पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए ये लेट गई जमीन पे, बस यही है। जो इल्म हासिल करने चीन गए थे वो आजकल एजुकेशन सेंटर्स में ही है, और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया, टू पार्ट्स में बनाया। तो इस वीडियो में पार्ट टू में इन्होंने बात की जो कि मुझे इमाम हुसैन के ऊपर जो इन्होंने बात की कि ये लोग कह रहे हैं कि वो शराब पीते थे, तो इस तरह की तोहमत, मतलब ये बात की है
तो इस पे उन्होंने कहा कि इन पे एक्शन दिया जाए, तो उस पे नहीं दिया, लेकिन ये फ्रांस के ऊपर ले लिया। तो ये बात, खैर मुझे भी आइडिया नहीं थी कि ये ऐसा है कुछ कि इमाम हुसैन के बारे में इस तरह से कहा गया है। और देखें, मेजर साहब की बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने कहा कि वो हिंदू होकर उन्हें ये बात बुरी लग रही है, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, फिर भी उनको ये बात बुरी लगी, बिकॉज़ के वो किसी के बारे में, कोई जिनकी बहुत रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, तो उनके बारे में कोई किस इस तरह की चीज़ें बोले तो ये सूटेबल नहीं लगता। एंड यस, ये बात रियलिटी है, और मुझे भी बिल्कुल बात पसंद नहीं आई कि यार कैसे कोई अपने, मतलब इतना भी कोई खुदगर्ज कैसे हो सकता है, कोई कैसे किसी को इस तरह से बोल सकता है ना। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो सेकंड थिंग ये है कि जो ये बातें कर रहे हैं कि मतलब पिया शराब वगैरह, तो ये बात कोई भी हो, कोई भी किसी को नहीं कहना चाहिए। इवन दो आई एम मुस्लिम और मैं हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हर धर्म की, तो मतलब जब मैं मुस्लिम होकर रिस्पेक्ट करती हूँ अदर रिलीजन की, तो हम मुस्लिम अपने रिलीजन की क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते? हम लोग सुन्नी, शिया, यहूद, सॉरी वहाबी, और ये सारी चीज़ों में डिवाइड हो चुके हैं, और हम लोग, हम हर किसी को, हम इवन लोग काफिर काफिर कह रहे होते हैं शिया लोगों को, यार भाई वो लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स मीन के उनको अब सुन्नी शिया ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है, बट इट डजन मीन के वो लोग मुस्लिम नहीं हैं। वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, बस उनका थोड़ा कलमा पढ़ने का तरीका अलग है, नमाज़ पढ़ने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, बट वो मुस्लिम हैं, वो भी अल्लाह ताला को मानते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग उनको कुछ भी कह दें, और हम होते भी कौन है कुछ कहने वाले, जब ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया, सब कुछ सेम बनाया, सब कुछ सेम है हर किसी में, हर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, शिया और वहाबी और जो भी चीज़ें हैं, दे ऑल आर मुस्लिम, सॉरी दे ऑल आर ह्यूमन फर्स्ट, एंड उसके बाद फिर वो मुस्लिम है, शिया है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, यार सब कुछ, वो फिर उनका बिलीफ है। हम उनको क्यों बुरा बोले, हम कौन होते हैं बुरा बोलने वाले? अगर हम पैदा ही मुस्लिम के घर के बजाय हम शिया के घर में पैदा होते, चाहे हम हिंदू के घर में पैदा होते, तो क्या तब भी हमारी यही सोच होती, हम तब भी एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं? नहीं, ये नफरतें हमने खुद पैदा की हैं। कोई भी नहीं चाहता कि, अब कोई भी अपनी मर्जी से पैदा होकर नहीं आता कि हमें इस घर में जाना है, ये उसके नसीब होता है, ठीक है, और दुनिया में आने के बाद उसके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर वो अपने धर्म में खुश है तो व्हाई नॉट, हम लोग कौन होते हैं इसको बोलने वाले। और ये शराब वाली बात नहायत ही अफसोस की है कि ये लोग अपने ही मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। सेकंड थिंग कि इमरान खान झुक झुक गए हैं फ्रांस के आके बिकॉज ऑफ मनी, तो ये फ्रांस के आगे एक्चुअली दूसरी कंट्रीज भी हैं, तो वो भी उनको भी फिर झुकना चाहिए, ठीक है। तो अदर कंट्रीज आर मुस्लिम, लेकिन वो लोग इस मामले को सॉर्ट आउट करके बैठ गए हैं, उनको अभी इनसे कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग कौन होते हैं, हम कौन से अनोखे लोग आए हैं जो उनसे इस इशू को हाईलाइट करके अपने घर में आग लगाए, ठीक है। हम ऑलरेडी बहुत, हमारे घर में दुश्मनों ने आग लगा दी है, उन दुश्मनों ने जो नहीं चाहते हमारी कंट्री को सेफ रहे, हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़े और कामयाब हो, तो ये वही लोग होते हैं। और अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है, अब देखिए लड़ाई आपके घर में, लड़ाई हुई है पड़ोसियों के साथ आपकी, और मारे आप अपने बच्चों को, तो ये तो इंसाफ की बात ही नहीं है ना। तो यही आजकल हमारी कंट्री में हो रहा है, हम लोग, लड़ाई फ्रांस के साथ है, और वो भी पुरानी लड़ाई, ठीक है, पुरानी लड़ाई है, उसको लेकर हम लोग आज अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, आग लगाई भी अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने घर के लोगों को मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और कुछ नहीं है, और ये इसमें मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सोच और अक्ल की ज़रूरत है कि मामलात ऐसे हल नहीं होते। आपका, हमारी कंट्री वैसे ही इतनी डिवेलप नहीं है, उसको जो थोड़ी बहुत डिवेलप हुई है या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसको भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत लगा रही है,
उसको भी आप बर्बाद करने में लगे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, और बाकी एजुकेशन तो वाकई में ही आजकल एजुकेशन पे तो किसी का फोकस है नहीं, लेकिन फोकस है तो अदर फजूल की चीज़ों पर, जो कि फोकस मुझे लगता है कि अगर इस तरह ही कंटिन्यूसली चलता रहा, जैसे कि ये मुझे लगता है कि ये नौजवान जो लोग हैं, यंगस्टर हैं, वो ही आकर रोडों पर खड़े हुए हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। रीज़न ये है कि वो लोग स्कूल्स में गए हुए नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो स्कूल्स में नहीं गए हुए और इनको आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली लाइफ हम कर क्या रहे हैं। रोड पे हम लोग अपनी, हम एज अ सिटीज़न जो है, आप क्या कर रहे हो यार? आप नेशनैलिटी लेकर, आप पाकिस्तानी हो, आपकी एक पहचान है, आप उसी को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। कोई अपने घर को नुकसान पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता। लेकिन कोई कचरा अपने घर में फेंकता है? नहीं फेंकता। लेकिन बाहर आपको कचरा भी फेंकते हुए नजर आएंगे। यही वही लोग होंगे जो लोगों को तोड़ फोड़ भी करेंगे, लेकिन जब मतलब हाथ फैलाएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन जब नुकसान भरने की बात आएगी या टैक्स देने की बात आएगी, तब ये लोग ही बोलेंगे हम तो गरीब हैं भाई, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेचारे हैं। तो भाई आप जब बेचारे हो तो फिर आप कंट्री को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? ये चीज़ है। और दूसरा, ऑलरेडी भी हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इस वर्स्ट कंडीशन में, सर्कमस्टेंसेस में, तो उसके बावजूद अगर आप लोग थोड़ी बहुत, हमारी एक रिस्पेक्ट है आउट ऑफ कंट्री में, तो उसको तो आप कंट्रोल मेंटेन रहने दो यार, इसको और ज़्यादा तो डाउन मत करो। और यही बात है। और बाकी ये नहीं है कि 1947 में पाकिस्तान बना था इस्लामिक कंट्री, तो अब इसको इस्लाम के हिसाब से आप रखकर, इस्लाम में ये नहीं है कि इस्लाम के हिसाब से भी ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि हम लोग इस्लाम को हर चीज़ में लेकर आकर बोलेंगे ये इस्लाम है। भाई वो उस आदमी ने मारा, एक इस तरह का किस्सा भी था, उसमें वो आदमी बोल रहा था कि गुस्ताखे रसूल, ठीक है, वो एक अनएजुकेटेड आदमी था जो कि उसको कुछ पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कुछ भी, एंड वो बंदा एक गार्ड था बैंक का, माइट भी आपको आइडिया हो, मैंने इससे काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में जिक्र भी किया है। लास्ट ईयर की बात है कि उसने अपने मैनेजर से उसकी लड़ाई हो गई थी, ठीक है, तो उसको छुट्टी नहीं मिली थी, पता नहीं क्या इशू हुआ था, तो उसको उसने कहा कि देखें, उसको गुस्सा आया तो वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसने क्या किया, जाकर अंदर गया, अंदर जाके बैठा, एक दो मिनट खड़ा रहा, उससे हिम्मत नहीं हुई कि मैं किस तरह से करूं, क्या करूं, फिर उसने उठा, उठ के ना उसने अपने मैनेजर को डुस डुस कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताएं, जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहता है कि भाग गया वहां से, तो फिर लोगों ने पूछा, पकड़ा, फिर रीज़न पूछा, तो उसने कहा देखो इसने, ये गुस्ताख रसूल था। अब सिर्फ इतना बोला उसने गुस्ताख रसूल था, तो उसको वाह वाह करके उसको ले गए बाहर, और उस आदमी को उसके नारे लगाना शुरू हो गए और पता नहीं क्या किया। एंड फिर बाद में उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि भैया आपने, उसने ऐसा क्या बोला था, ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी कि वो गुस्ताख रसूल बन गया? तो उसने कहा कि भाई ऐसा उसने एक ऐसी बात कही तो कि सर सिर्फ अल्लाह ताला के आगे जो कहना चाहिए, तो उस बात पे उसने कहा कि नहीं ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने मार दिया। तो यार ये कोई गुस्ताखी नहीं थी, तो ये बहुत ही फजूल चीज़ थी। एनीवेज अभी अजान भी स्टार्ट हो गई है, तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।